Hey, what's up guys, welcome to my channel and I am back with a new video. The Samsung Galaxy P5 Pro hasn't even been announced yet, but we already have the first look of the Galaxy P5 Pro. We all know that Samsung Galaxy P5 will come with this design and it has a hole punch display just like Samsung other mid-range smartphone. Display ko full screen edge-to-edge banane ke liye ye design sabse behtar hai jo pop-up camera, slider aur iske sath Samsung ki rotating mechanism se kafi behtar hai aur ye dheere-dheere kafi popular bhi ho raha hai. और यहाँ पे आप कोई भी डिजाइन कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं पाएंगे, जो इसी एक कारण है कि सैमसंग इसे इस फोन के यूज कर रहा है. सैमसंग टोटली अंडरस्टैंड दैट एंड दे न्यू दिस ऑल अलोंग एंड दैट्स द रीजन द न्यू सैमसंग हैंडसेट विल हैव ए पांच होल डिस्प्ले लाइक द अदर सैमसंग मिड रेंज स्मार्टफोन. और आप अगर मेरा नया गैजेट चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, वहाँ पे जाके आप मेरा नया गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्लीज प्रेस कर दीजिए, ताकि इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट है और जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए. आपके लिए ऐसे ही गैजेट के बारे में वीडियो लेके आएंगे जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को पसंद करेंगे और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे. आप अगर इसे थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं तो ये एक डाउनग्रेड है, जो यहाँ पे फुल स्क्रीन डिस्प्ले तो मिलता है but you will no longer get that uninterrupted all screen display. A new report suggests the Samsung Galaxy P5 Pro may be Snapdragon 765 octa-core processor milega aur yahan pe aapko milega 4GB RAM with 64GB internal storage, 6GB RAM with 64GB and 128GB internal storage. और एक वेरिएंट मिलेगा जो आएगा 8GB रैम के साथ में 128GB इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी के साथ में. सैमसंग गैलेक्सी P5 पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा और इसकी क्वाड कैमरे में डिफाइन टाइप की कैमरा सेंसर इंक्लूड होगा और इसके सामने 5 होल डिस्प्ले के अंदर 32 MP की कैमरा मिलेगा, जो सैमसंग की सेल्फी कैमरा आपको जानते हैं काफी बेहतर है और इसमें भी आपको उसी तरीके का एक्सपीरियंस मिलने वाला है. यहाँ पे अगर बात किया जाए P5 Pro की डिजाइन के बारे में तो ये फोन पे भी सैमसंग के द्वारा ग्लास बैक डिजाइन मिलेगा और यहाँ पे कॉर्निंग की गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलेगा, जो इसे नॉर्मल छोटे मोटे डैमेज से प्रोटेक्शन भी दे सकता है. ये ग्लास बैक डिजाइन जो सैमसंग के कम दम की फोन होती है और मिड रेंज कैटेगरी फोन होती है, इसमें कभी प्रीमियमनेस लाती है, जो ये एक रीजन है कि ये फोन काफी ज्यादा बिकते भी है. We have some trustable information which indicates that Samsung will release the device in a few months. तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसके बारे में जो भी नया अपडेट आएगा और जो भी नया न्यूज आएगा वो आपको मैं सबसे पहले इन्फॉर्म कर पाऊँ, ताकि आप इस डिवाइस के बारे में सभी रिपोर्ट और सभी न्यूज सबसे पहले जान सके. तो लेट मी नो योर थॉट ऑन दिस एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो. पीस आउट.